नमस्कार साथियों, मेरा नाम सागर तिवारी है और इस वीडियो में समाजशास्त्र विषय के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 12 समाजशास्त्र में ग्रामीण समाज में विकास और परिवर्तन नामक पाठ से 14-15 बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करना था। दो बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जो ये पहला और दूसरा प्रश्न है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा किए हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न 2020 में आया था, महत्वपूर्ण है ये, कि ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या होती है, यानी कि व्हाट इज़ द क्वालिटीज ऑफ विलेज कम्युनिटी, ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या होती है। तो इसके बारे में थोड़ी सी पहले चर्चा कर लेते हैं कि ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या होती है। ग्रामीण समुदाय की एक प्रमुख विशेषता तो ये है कि वहाँ पर खेती की जाती है, जो कि सभी लोग जानते हैं, पशुपालन की जाती है, मछली पालन की जाती है, या फिर इनसे संबद्ध जो जॉब्स होते हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और फिशरीज और पशुपालन, उससे संबद्ध जो व्यवसाय होती हैं, या फिर सीधा सीधा हम जो प्राथमिक व्यवसाय हैं, उन सब का जो एक सम्मिश्रण बनता है, उस सब का एक सेट जो बनता है, ए ग्रुप ऑफ ऑल दिस वर्क, हम उसको कह सकते हैं कि ये ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत की जाने वाली प्रमुख चीज़ें हैं या प्रमुख व्यवसाय हैं, जिनको सम्मिलित रूप से जो लोग उस काम को अंजाम देते हैं और जिन लोगों का ग्रुप बन रहता है, जिसमें एक कृषक संरचना होती है, एक जाति व्यवस्था होती है, एक व्यवसाय की व्यवस्था होती है, एक कार्य की व्यवस्था होती है, लोगों के पदानुक्रम होता है, एक हायरार्की बनी होती है, लोगों के संबंध में जाति व्यवस्था होती है, तो इन सब की जो एक पूरा एक सेट बनता है, उसी को हम ग्रामीण समुदाय कह सकते हैं। गांवों की संख्या कितनी है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि पूरे भारत में कितने गांव हैं। फसल आधारित ग्रामीण समुदाय की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि फसल आधारित पर्व मनाए जाते हैं, यानी कि गांव में बहुत सारे ऐसे पर्व होते हैं जो फसल के आधार पर होते हैं, जब फसल की कटाई होती है। जैसे कि तमिलनाडु में जब फसल की कटाई होती है तो पोंगल नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है, असम में बिहू मनाया जाता है, पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है और कर्नाटक में उगाड़ी मनाया जाता है। इसी प्रकार से सैकड़ों पर्व और त्यौहार हैं जो कि विभिन्न कृषि के अवसरों पर, उनके कटाई के अवसरों पर उसको मनाया जाता है। ये चार तो एग्जांपल हो गए, ऐसे भारत में सैकड़ों हजारों पर्व हैं, उसकी संख्या नहीं है। और ग्रामीण समुदाय की एक प्रमुख विशेषता होती है कि कृषक संरचना होती है। कृषक संरचना क्या होती है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा किया जा चुका है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या है। तो उद्योग आधारित समाज ये नहीं होता है, क्योंकि उद्योग आधारित जो समाज होता है वो तो शहरों में होता है। व्यापार आधारित समाज ये भी शहरों में ही होता है। कृषि आधारित समाज ये गांव में होता है। तो इसी हम मान सकते हैं इसको। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत किया गया था, यानी कि स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार में कौन कौन से काम किए गए थे, ये प्रश्न पूछा गया है। तो क्या 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 काम किया गया था, उसकी पूरी लिस्ट बना रखे हैं पुस्तकों में। दो चार अक्षर दे रखे हैं, जैसे जमींदारी, पट्टेदारी, ये दो शब्द दे रखे हैं, लेकिन भूमि सुधार संबंधित बहुत सारे काम किए गए थे। तो उसकी मैंने एक लिस्ट बना के रखा है कि क्या क्या काम किया गया था। तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि जो रूलर थे और जो कृषक थे, उनके बीच में बहुत सारे मध्यस्थ लोग थे, मध्यस्थता करते थे, जैसे कि जमींदार थे, वो सारे लोग बीच में आ जाते थे, क्योंकि उनको रूलर सेट करते थे कि आप जो है टैक्स कलेक्शन करेंगे। तो ये जमींदारी व्यवस्था जो है उसको हटा दिया गया, यानी कि अब सीधा सीधा जो राज्य है, यानी कि जो सरकार है और जो कृषक है, उसके बीच में सीधा संबंध हो गया। अब जो भी कृषक है वो सीधा सीधा अपना टैक्स जो है वो सरकार को पे करेगा, सरकार और कृषक के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा कि वो टैक्स को कलेक्ट करे और सरकार को टैक्स को दे, बल्कि अब सरकार और किसान के बीच में सीधा सीधा संबंध हो गया है। अब किसान अपने उगाही का, अपने जितना भी वो उगाएगा, उसका जो भी टैक्सेशन बनेगा वो सीधा सीधा सरकार के खाते में पे करेगा, उसके बीच में कोई मध्यस्थता या मीडिएटर की भूमिका नहीं निभाएगा। तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1951 में लाया गया था, जिसमें ये जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। जमींदारी प्रथा क्या होता है, पता है आपको, कि सबसे ऊपर राजा होता था, राजा अपने अंडर में जमींदार को सेलेक्ट करता था और जमींदार जो है वो रैयत से, यानी रैयत मतलब किसान से टैक्स को वसूलता था, यानी कि रैयत जो है वो जमींदार को टैक्स देता था और जमींदार जो है वो राजा को टैक्स को चुका देता था।
पट्टेदारी प्रणाली जो हुआ करती थी उसको समाप्त कर दिया गया। महाल वाली व्यवस्था क्या थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। रैयत वाली व्यवस्था जो थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। रैयत वाली व्यवस्था ये होती थी कि किसान जो है राजा को सीधा सीधा टैक्स देता था, तो ये रैयत वाली व्यवस्था थी। लगान का नियमन कर दिया गया, यानी कि पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ टैक्सेशन वो बना दिया गया। जोतों की चकबंदी कर दी गई, यानी कि जो खेत अलग अलग किसानों के जो खेत अलग अलग जगहों पे बिखरे हुए थे तो उनको जो है एक जगह पे कलेक्ट कर दिया गया। यानी भूमि को उठा उठा कर तो इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, लेकिन जैसे किसी व्यक्ति का कुछ भूमि, मान लीजिए 4 बीघे भूमि एक जगह पर है, फिर 2 बीघे भूमि नहर के उस पार है, फिर 1 बीघे भूमि दूसरे गांव में है, तो वो अलग अलग जगह पे अगर खेती करेगा तो उसका जो लागत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर वही 4 बीघे 2 बीघे 1 बीघे जो अलग अलग खेत है उसको एक चक में कर ले दिया जाएगा तो उसके सारे खेत एक जगह पर आ जाएंगे, तो उसका जो लागत है यानी कि जो इनपुट्स है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और किसानों की जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जोतों की चकबंदी करी गई, यानी कि एक एक चक बनाया गया, उसमें किसानों को एक एक चक दे दिया गया, जो कि उनके खेत विभिन्न जगह पे फैले हुए थे वो एक जगह पर आ गए। हदबंदी अधिनियम को लाया गया। हदबंदी क्या है, जैसे कि शब्द से इसमें पता चलता है कि हद यानी कि हद में रहो, यानी कि लिमिट कर दिया गया, लिमिटेशंस ऑफ लैंड कर दिया गया, जिसको लैंड लिमिटेशन एक्ट कह सकते हैं हम। उसमें क्या था कि जैसे पहले जब जमींदारी प्रथा थी तो उसमें जमींदार के पास बहुत बड़े बड़े भूखंड हुआ करते थे, और कुछ ऐसे किसान होते थे जिनके पास बिल्कुल भूखंड कम है, तो इसमें ऐसा कर दिया गया कि जिसके पास हद से ज़्यादा भूमि के खंड हैं उनको अपने हद में लाया गया, उनको लिमिट में लाया गया, उनकी बहुत सारी भूमि को ले करके जो उन किसानों को दे दिया गया जिनके पास भूमि की बहुत ज़्यादा कमी थी। और ये व्यवस्था एक प्रकार से समाजवादी व्यवस्था का अच्छा उदाहरण भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी एक समाजवादी नेता थे, वो समाजवाद को बहुत ज़्यादा मानते थे, और रूस में भी समाजवादी व्यवस्था चलती थी तो वो रूस से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। तो हदबंदी अधिनियम कुछ न कुछ मतलब कहीं ना कहीं एक समाजवाद का प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि समाजवाद में भी ऐसा होता है कि जो राज्य का संसाधन है उसका संकेंद्रण किसी कुछ लोगों के हाथ में न रहे बल्कि पूरे समाज के हाथ में रहे। अगर किसी भी समाज में अगर किसी कुछ लोगों के हाथ में बहुत सारे सारे भूखंड रह जाएंगे और कुछ लोगों के पास थोड़ा थोड़ा भूखंड रहेगा तो एक प्रकार से वो जब समाजवाद की जो संकल्पना है वो चीज़ उसमें दिखाई नहीं देता है। तो हदबंदी अधिनियम ला करके वो समाजवाद की परिकल्पना को चरितार्थ भी किया गया, और मेरे ख्याल से ये एक न्यायिक कदम भी था। सहकारी कृषि को प्रमोट किया गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसमें सरकार और प्राइवेट दोनों मिल करके काम करते हैं, सहकारी कृषि को प्रमोट किया गया। और मेड़बंदी की गई, यानी कि जो खेत ऊंचे नीचे थे उनको समतल करके फिर मेड़बंदी की गई ताकि पानी उसमें रुके और खेतों को जो है उनका जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके। खेतों का समतलीकरण किया गया, मृदा संरक्षण किया गया और सिंचाई का विकास किया गया। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे कदम थे जो भूमि सुधार के क्षेत्र में उठाए गए आज़ादी के बाद। तो स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत किया गया था क्या, जमींदारी उन्मूलन किया गया था 1951 में, एक्ट लाया गया था, पट्टेदारी को उन्मूलन किया गया था, हदबंदी का अधिनियम लाया गया था। तो ये तीन ऑप्शन सही हैं, ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में जमींदार व्यवस्था के कारण उत्पादन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता था। तो उत्पादन में कमी आ जाती थी, जाहिर सी बात है। सिंपल सा रूल है कि जैसे सबसे ऊपर मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो अपने नीचे बहुत सारे स्टाफ ऐसा बना दिए कि आप जो है टैक्स का कलेक्शन करेंगे, और वो जो टैक्स के कलेक्टर हैं वो टैक्स जाकर के किसान से ले रहे हैं, तो वो जो लेकर के आएंगे टैक्स वसूलेंगे किसानों से वो उन कलेक्टर्स के पास आएगा, जो टैक्स कलेक्टर्स हैं उनके पास आएगा। टैक्स कलेक्टर चूंकि ये एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो वो सीधा सीधा सरकार से ही संबंध हो गया। लेकिन अगर कलेक्टर जो है कोई सरकार से संबंधित ना होते, यानी कि सीधा सीधा सरकार से संबंधित ना होते, तो कहीं ना कहीं बीच में मध्यस्थ जो है वो कलेक्टर आ जाता, जिसके कारण से किसानों के ऊपर जो टैक्सेशन है उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ा दी जाती अपने आप ही। तो किसानों के ऊपर दबाव जो है बहुत ज़्यादा पड़ता, क्योंकि टैक्सेशन बहुत ज़्यादा उसको देना पड़ता, जिसके कारण से किसानों को सीधा सीधा नुकसान ही होता। ब्रिटिश काल में जमींदार व्यवस्था के कारण जो है उत्पादन में, कृषि के उत्पादन में कमी आई थी, तो ये सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति किस दशक में लागू की गई थी? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2020 में प्रश्न पूछा भी गया था। तो ये 1960-70 के दशक में लागू की गई थी। इसके बारे में शायद मैंने कुछ नोट्स भी बनाया है, उसको देख लेते हैं। जब हरित क्रांति जो है उसको 1966-67 में पहले चरण में, दो चरण में हरित क्रांति शुरू की गई थी। पहला चरण 1966-67 में और दूसरा चरण 1980-81 में शुरू किया गया था। और इसको जिन्होंने शुरू किया था विश्व में, अगर हरित क्रांति देखें यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो विश्व के आधार पर देखा जाए, तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग ने इसकी शुरुआत की थी। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग जो है ये अमेरिका के साइंटिस्ट थे, हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट थे। 1914 में इनका जन्म हुआ था, 2009 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो नोबेल पुरस्कार के विजेता भी थे और ये हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं विश्व स्तर पर। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो वो M.S. स्वामीनाथन। M.S. का फुल फॉर्म क्या है ये भी, मानकोम्बु सम्बासिवन स्वामीनाथन, ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और विश्व में हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। इसमें क्या था, हरित क्रांति था वो किया गया तकनीकी सुधार में, जैसे कि जो मशीन्स हैं जैसे कि ट्रैक्टर हैं, हार्वेस्टर हैं, इन सब का प्रयोग किया गया। और हाई यील्ड वैराइटीज़ वाले सीड्स का प्रयोग किया गया, खाद का प्रयोग किया गया, बहुफसली कृषि को अपनाया गया। तो ये सारे तकनीकी और संस्थागत सुधार थे जिसके कारण से हरित क्रांति कहीं ना कहीं सफल भी हुई। थोड़े बहुत उसमें कमी के आधार, कमी को भी अगर जोड़ लिया जाए तो उसको सब छोड़ करके हरित क्रांति से फ़ायदे भी हुए और कुछ कुछ नुकसान भी हुए हैं। तो ये हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा फैक्ट था। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी, 66-67 में हुई थी, यानी कि 1960-70 के दशक में। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग। और भारत के स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो M.S. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न, हरित क्रांति के शुभारंभ में किसका योगदान नहीं रहा, तो उन्नत बीज का योगदान रहा, उन्नत खाद का भी रहा, सिंचाई के साधन का भी रहा, जैविक खाद का नहीं रहा। जैविक खाद मतलब कि जैसे गोबर का खाद, ये सब जो जैविक खाद होते हैं उसका योगदान हरित क्रांति में नहीं रहा, क्योंकि कीटाणुनाशक इन सब का प्रयोग किया जाता था। और अगर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि UPSC में पूछा गया था 2018 के पेपर में शायद, कि दुनिया का ऐसा कौन सा स्टेट है, सबसे पहला स्टेट कौन सा है जो पूरी तरीके से अपने आप को जैविक राज्य घोषित किया है, तो इस प्रश्न का उत्तर जिसको भी आता हो वो बता सकते हैं कि विश्व में सबसे पहला ऐसा कौन सा स्टेट है जिसको पूरी तरीके से जैविक राज्य घोषित किया गया था, तो इसका आंसर आपने बताना है। अगला प्रश्न, हरित क्रांति से अधिकतर किन किसानों को लाभ हुआ, तो मध्यम किसानों को, उच्च किसानों को, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों, यानी कि मध्यम किसान और उच्च किसान को हरित क्रांति से लाभ हुआ था। जो पंजाब हरियाणा में बड़े भूखंड वाले किसान थे उनको फ़ायदा हुआ इसका, लेकिन जो छोटे किसान थे, जो कुछ सीमांत किसान थे जिनके पास भूमि का खंड छोटा छोटा जोत था उनके पास, उनको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उनको नुकसान ही हुआ। हरित क्रांति में अधिकांश क्षेत्रों में किसानों ने कितनी फसली कृषि व्यवस्था को अपनाया था, तो फसल में देखा जाए जैसे एक फसली कृषि होता, द्विफसली कृषि, त्रिफसली कृषि या बहुफसली कृषि होता है। एक फसली कृषि मतलब कि साल भर में एक टाइप का फसल उगाया जा रहा है, द्विफसली मतलब कि दो फसल साल भर में उगाया जा रहा है, और बहुफसली मतलब कि तीन चार फसल जो है एक साल में उगाया जा रहा है। तो हरित क्रांति में जो है अधिकांश क्षेत्रों में एक फसली कृषि को अपनाया गया। अगला प्रश्न, किसने प्रवासी मजदूरों को घुमक्कड़ मजदूर कहा, तो जॉन ब्रेमन ने प्रवासी मजदूरों को घुमक्कड़ मजदूर की संज्ञा दी। अगला प्रश्न, संविदा कृषि के अंतर्गत कृषक ने किसके लिए उत्पादन किया, तो संविदा कृषि के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। संविदा कृषि क्या होता है, इसको इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं। संविदा कृषि कैसे स्टार्ट हुई, इसको थोड़ा समझ लें कि जब उदारीकरण या भूमंडलीकरण स्टार्ट हुआ था 1991 में भारत में, तो बहुत सारे जो कंपनीज थी जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करती थी, जो कि कीटाणुनाशक बनाती थी या खाद बनाती थी, वो सारे भारत में आना शुरू कर दिए। और वो
एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया करते थे किसानों के साथ में, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया करते थे, समझौता कर लिया करते थे कि आप इस फसल को उगाइए और आपकी इस फसल को हम सीधा सीधा क्रय कर लेंगे, खरीद लेंगे और आपको उससे फ़ायदा होगा। किसानों को उससे फ़ायदा भी होता था क्योंकि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत में आई और वो किसानों से समझौता कर ले कि आप मान लीजिए कि आप कपास मान लीजिए कॉटन उगाइए और कॉटन को उगाइए और जो भी उसका उत्पादन होगा हम सीधा सीधा उसको खरीद लेंगे और कॉटन को उपजाने में जो उसका निवेश होगा, जो इनपुट्स होंगे उसको भी हम देंगे, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां देंगी। तो ये सारे समझौता हो जाता था और किसान जो है उसको उगाते थे और उनको इस बात की गारंटी रहता था कि ये सारा खरीद लिया जाएगा, अच्छे दामों पे खरीद लिया जाएगा। अच्छे दामों मतलब कि पहले कॉन्ट्रैक्ट में पहले ये सब साइन हो जाता था कि इतने दामों पे हम खरीदेंगे, तो उसमें किसानों को एक निश्चितता रहती थी कि हमारा जो फसल है वो इतने दाम पे खरीद लिया जाएगा। लेकिन इससे कुछ नुकसान भी हुआ, जैसे कि वो कीटाणुनाशक का प्रयोग करना शुरू कर दिए, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि जो रासायनिक खाद है उनका प्रयोग करना शुरू कर दिए, तो पर्यावरण पर, उनकी मिट्टी पर बहुत ज़्यादा, उनके शरीर पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान भी पड़ा इससे। लेकिन एक थोड़ा सा आर्थिक दृष्टि से उनको फ़ायदा हुआ, लेकिन पर्यावरणीय और स्वास्थ्य के लिहाज से किसानों को नुकसान भी हुआ। तो ये संविदा कृषि थी मुख्य रूप से। तो संविदा कृषि के अंतर्गत कृषक ने किसके लिए उत्पादन किया, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए उत्पादन किया, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, MNCs के लिए। कौन सी योजनाएं किसानों के लिए एकीकृत सहायता के मार्ग खोलती हैं, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और ग्रामोदय से भारत उदय, ये दो योजना है जिससे किसानों को एकीकृत सहायता मिली। भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा यानी कि किस दिशा में लागू किया था, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, जैसे ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, ये कब लागू किया गया था, तो 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 फरवरी 2006। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न 2020 में आया था। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। इससे पहले 2 वीडियो बनाया था, जो पहला प्रश्न है इसमें भूमि स्वामित्व के विभाजन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो कृषक संरचना 10 मिनट का इस पर वीडियो बना है। और वर्ष में कुछ मजदूरों के पास जब कार्य नहीं होता है तो कौन सी बेरोजगारी होती है, इसके ऊपर 20 मिनट का वीडियो बनाया है। तो 30 मिनट का ये वीडियो बना है और करीब करीब 18 मिनट का ये वीडियो बना है, तो कुल मिला करके कह सकते हैं कि 48 मिनट का वीडियो ग्रामीण समाज में विकास और परिवर्तन नामक चैप्टर से करीब 48 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो ये पूरा 48 मिनट देख लेंगे तो ये चैप्टर जो है आराम से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इसके आगे कुछ 7-8 चैप्टर और बाकी हैं, तो करीब करीब 10-12 वीडियो और आ जाएगा, तो पूरी समाजशास्त्र की किताब ख़त्म हो जाएगी। तो इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि समाजशास्त्र से संबंधित आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।